हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे थे, है ना। हमने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है होते तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट जो हमने स्टडी करना है वो सिर्फ दो ही करने हैं। कौन कौन से थे? फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। जोसेफ प्रोस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। क्या कहता है ये लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ए प्योर केमिकल कंपाउंड always contains the same element, which combine together in a definite proportion by mass। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, प्योर का मतलब समझिए ना कि उसके अंदर कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्योर का मतलब। तो कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, तो उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट ही होगा, चाहे फिर वो केमिकल कंपाउंड इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो। ये नहीं कि भाई इंडिया की तो वाटर अलग होता है, पाकिस्तान का वाटर अलग होता है। तो बिल्कुल सेम, अगर बात कर रहे हैं किसकी, प्योर की, मिक्सर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, प्योर वाटर की। कभी कह दो कि नाली के पानी में तो बताया नहीं क्या होता है, तो बिल्कुल प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, उसमें सब कुछ सेम होगा। विच कंबाइन टूगेदर, आपस में जुड़ेंगे वो एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, और उनके जो मास का रेशियो होगा वो मास का रेशो एकदम डेफिनेट होगा। कि समझ में आया कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, और उन एलिमेंट्स के जो मास का रेशो होगा वो मास का रेशो भी क्या होगा बेटा, एक जैसा होगा, वो डेफिनेट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं CO2 गैस की, तो कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका सोर्स जो भी हो, वो कहीं से भी बनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमेशा एक कार्बन होगा, दो ऑक्सीजन होंगी। कार्बन का एटम 1 होगा पर मोलिक्यूल, और दो ऑक्सीजन एटम होंगे, और फिर उनके जो मासेस का रेशियो होगा वो मासेस का रेशियो भी क्या होगा, एकदम डेफिनेट होगा। जैसे अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज की, जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 गैस बनाऊंगा तो मुझे इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, और क्या निकल जाएगी हमारे पास, CO2 गैस, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा हूं, मैं कार्बन को जला देता हूं, कंबशन ऑफ कार्बन, तो भी क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, CO2 गैस, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या होता है कि भाई गैस है ये बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवा देता हूं एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। ये सारी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। ये तो यहां पर तुमने रिएक्शन नहीं देखनी, तुमने यहां पर किसको फोकस करना है, CO2 गैस को। तो कहता है कि भी अलग अलग मेथड जरूर है, बट इन सभी मेथड में जो गैस इवोल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। और इन तीनों में जब आप इन तीनों गैसेस को ध्यान से देख रहे हो तो इन तीनों गैसेस के अंदर ही क्या है, एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम्स है। अब बात करें कि भाई इनका मास रेशो, कि भाई मास रेशो सेम है कि मास रेशो अलग अलग हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके मास रेशो की, कार्बन और ऑक्सीजन के मास रेशो का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन का मास 12 होता है आप सबको पता है, तो कार्बन का एक एटम है, उस एक एटम का मास 12 हो गया। इसका रेशो निकालू मैं ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो दो हो गए तो 2 × 16, तो क्या आ गया 12:32, और अगर मैं इसको सोल्व कर लूं तो 3:8 आ गया, तो द रेशियो इज 3:8। आई बात समझ में? तो यही चीज कह रहा है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड
उसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, जो उनका मास रेशो होगा वो सेम होगा, ये उसके सोर्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, तो आपने भी बुक से न्यूमेरिकल सारे के सारे डिस्कस करने हैं, सारे बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, एक भी न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जिसके पास जो भी बुक है उसी बुक में से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा अब जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, एंड 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये कहता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव करना है कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन से कि भाई रिएक्टेंट कौन है, कि इनिशियली हमने क्या लिया, फिर उसके अंदर हमने कुछ चेंज किए और फाइनली हमारे पास क्या बना। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो क्या लग रहा है कि भाई 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हमने हीट किया, मतलब रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अपना रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सेपरेट करते हैं बेटा इस एरो के साइन से। तो ये एरो का हेड हो गया, सर हो गया, और ये एरो की पूंछ होगी, टेल होगी। तो टेल की तरफ हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं और हेड की तरफ हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। तो रिएक्टेंट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है। अब इसके बाद जो हमने देखना है कि भाई ये जो रिएक्टेंट है ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बना रहा है, ये CO2 गैस बना रहा है, एंड ठीक है प्लस का साइन जो दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, दो चीजें बना रहा है। अब इनका मास गिवन है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना गिवन है, 10 ग्राम है भाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी गिवन है, 4.4 ग्राम है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो है हमारे पास 5.6 ग्राम, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की हमारे पास सब कुछ गिवन हो गए। अब हमने यहां से ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होता है बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ये दोनों आ गई, तो इन दोनों का मास कितना होगा, 4.4 प्लस 5.6, एंड जब आप इसका एडिशन करोगे कितना आ जाएगा, 10 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, तो ये कितना है मास ऑफ रिएक्टेंट, 10 ग्राम। तो दोनों के दोनों क्या हो गई, इक्वल आ रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं ना कि दिस ऑब्जर्वेशन या दिस एक्सपेरिमेंट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सिर्फ आपने बस यही करना है कि हमने प्रोडक्ट के मास को रिएक्टेंट के मास के इक्वल पुट कर देना है। अब हो सकता है कि भाई वो क्वेश्चन में ये कह देता कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और आपको इसमें CO2 गैस की वैल्यू निकालनी, तो भी निकाल सकते थे ना कि भाई मास, इन दोनों का जो मास होगा वो इसके इक्वल होगा, तो मैं CO2 का मास कितना पुट कर देता, एक्स, तो एक्स प्लस 5.6 इज इक्वल टू 10, 5.6 उस तरफ चला जाता, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, सेकेंड जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है। तो कहता है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्वेश्चन बहुत इजी है बट जो लैंग्वेज है आपने वो समझनी है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये फॉर्मूला होता है ऑप्टेन, ठीक है, ये हमने बनाया है ऑप्टेन बाय हीटिंग 4.32 ग्राम ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है HNO3 एंड इग्निशन, मतलब कि इसको हमने साथ साथ गर्म भी किया, इग्निशन वाज 5.40 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड है वो कितना बना,
5.40, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है उसका मास कितना हो गया बेटा 5.40 मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब उसके अंदर, अब उसमें कॉपर कितना है 4.32, तो मास ऑफ कॉपर कितना हो गया 4.32। अब हमें सिंपल सी बात पता है कि भाई जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उसमें क्या बात खास होती है कि उसके अंदर एलिमेंट सेम रहेंगे और उन एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स रहेगा। तो अब ये जो कंपाउंड है CuO, इसके अंदर कौन कौन है, कॉपर है, Cu किसका सिंबल होता है कॉपर का, और ये जो O है ये किसका सिंबल हो गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर का मास तो ये हो गया। अब मैं ऑक्सीजन का मास निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, इस कंप्लीट मास में से इसको माइनस कर देता हूं, 5.40 माइनस 4.32 एंड इट इज इक्वल टू 1.08 ग्राम। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां तक हो गया कि मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या आएगा, तो ये आ गई हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब कॉपर और ऑक्सीजन के मास का मुझे रेशियो निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, कॉपर का मास हो गया 4.32 डिवाइड बाई 1.08 और ये किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 4 पे, तो कितना रेशियो आया 4:1 आ गया। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट का था ना, कि सोर्स जो भी हो, सोर्स अलग अलग हो सकते हैं बट उसमें रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कहते हैं कोई दूसरा सोर्स है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या कह रहा है 2.32 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन गिव, ऑन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि उसने ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑन रिडक्शन गिव 1.84 ग्राम कॉपर। ठीक है, तो कहता है कि प्रूव करो कि इन दोनों लॉज में जो कॉपर ऑक्साइड है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। कोई बात नहीं, कर देंगे। अब यहां पर सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 2.32। आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है, बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ यही करते हैं कि स्टेटमेंट को समझे बिना ही वैल्यूज पुट करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आंसर नहीं आएगा मत आने दो, हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। एक बार नहीं आए, दोबारा, तीन बार, चार बार, पांच बार, ठीक है, ये स्टार्टिंग टाइम। अगर आप अब न्यूमेरिकल करना सीखे तो फिर आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा मेन फोकस आंसर निकालना नहीं है, हमारा मेन मोटो है उस स्टेटमेंट को, उस बात को समझना कि वो कौन सी बात समझाना चाहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना गया 2.32, कहता है ऑन रिडक्शन, जब हमने इसका रिडक्शन किया, एक प्रोसेस होती है जिससे उस ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो ऑक्सीजन हट गई तो कितना कॉपर दे दिया उसने 1.84 हो गया यहां से। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का मास या कॉपर का ही आ गया, तो ऑक्सीजन का मास कितना गया, माइनस कर दो भाई, CuO में से CU माइनस कर दूंगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा ऑक्सीजन, तो ये माइनस हमने कर दिया तो कितना आ जाएगा, ठीक है 0.48 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया, ये हमारा यहां से आ गया 2.32 था, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसमें, सॉरी कि जो क्वेश्चन था, कॉपर ऑक्साइड बेटा कितना है यहाँ पे 2.30 है, इसको आप ठीक कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। या अब मैं फिर से क्या निकालूंगा, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो, तो कॉपर का मास ऊपर रखना है क्योंकि कॉपर ऊपर है, तो 1.84 डिवाइड बाई ऑक्सीजन 0.46। अब चेक करो किसके ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा ये 4:1, तो रेशियो कितना गया 4:1, और यहां पर भी रेशियो क्या था सेम। तो इसका मतलब जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए बट उस कंपाउंड में एलिमेंट भी सेम थे और उन एलिमेंट का मास रेशियो भी क्या था, सेम था, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपने ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 सोल अनसोल सारे के सारे इसको करने हैं, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।